Sociology and political science. As in the case of economics, there is an increased interaction of methods and approaches between sociology and political science. अब economics के case में जहाँ जो था यहाँ पर methods और approaches के बीच में जो interaction है sociology और political science के अंदर वो काफी बढ़ा है. Conventional political science was focused primarily on two elements. अब कन्वेंशनल जो पॉलिटिकल साइंस थी वो मेनली दो एलिमेंट्स पर फोकस करती थी. एक था पॉलिटिकल थ्योरी और दूसरा था गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. नाइदर ब्रांच इन्वॉल्व एक्सटेंसिव कॉन्टैक्ट विद पॉलिटिकल बिहेवियर. किसी भी ब्रांच का बहुत ज्यादा एक्सेस में कॉन्टैक्ट नहीं था या बहुत एक्सटेंसिव कॉन्टैक्ट नहीं था पॉलिटिकल बिहेवियर से. द थ्योरी पार्ट यूजली फोकस ऑन द आइडियाज अबाउट गवर्नमेंट फ्रॉम प्लेटो टू मार्क्स. While courses on administration generally deal with the formal structure of the government rather than its actual operation. अब theoretical part में क्या था, वो ज्यादातर focus करते थे उन ideas पे कि government जो है वो कैसी होगी, चाहे वो Plato से लेके Marx तक की क्यों ना हो. जबकि जो administration में courses होते थे वो generally किससे deal करते थे कि government का formal structure कैसा होना चाहिए, बजाय कि वो actually operate कैसे करेगी. Sociology is devoted to the study of all aspects of society, whereas conventional political science restricted itself mainly to the study of power as embodied in formal organization. Sociology पूरी तरीके से एक तरह से संबंधित है जितने भी पहलू हैं समाज के उनकी स्टडी से, जबकि conventional political science जो है उसने अपने आप को सीमित कर रखा है सिर्फ कहाँ तक, जो formal organization में power है उसकी स्टडी को लेकर. सोशियोलॉजी स्ट्रेसेस द इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, व्हेयरएज पॉलिटिकल साइंस टेंड्स टू टर्न अटेंशन टुवर्ड्स द प्रोसेसेस विद इन द गवर्नमेंट. सोशियोलॉजी किस पर जोर देती है, इंटर रिलेशनशिप जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सेट्स गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस जिसमें गवर्नमेंट भी आती है, उनके रिलेशनशिप पर ज्यादा जोर देती है. जबकि पॉलिटिकल साइंस अपनी अटेंशन पूरी तरीके से क्या प्रोसेसेस होते हैं गवर्नमेंट के अंदर उस पर जोर देती है. हाउएवर सोशियोलॉजी लॉन्ग शेयर सिमिलर एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च विद पॉलिटिकल साइंस. काफी हद तक सोशियोलॉजी जो है लंबे समय से बिल्कुल जो सिमिलर इंटरेस्ट है रिसर्च के पॉलिटिकल साइंस के उनको शेयर कर रही है. सोशियोलॉजिस्ट लाइक मैक्स वेबर वर्क्ड इन व्हाट कैन बी टर्म्ड एज पॉलिटिकल सोशियोलॉजी. अब सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर जैसे लोग जो थे वो इसी उस पर काम कर रहे थे जिसको हम पॉलिटिकल सोशियोलॉजी कहते हैं. द फोकस ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी हैज बीन इंक्रीजिंगली ऑन द एक्चुअल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर. जो फोकस है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का वो मेनली किस तरह से एक्चुअल स्टडी पॉलिटिकल बिहेवियर की करी जाए उस पर है. इवन इन द रीसेंट इंडियन इलेक्शंस वन हैज सीन द एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पैटर्न्स ऑफ वोटिंग. अगर अभी हम इंडियन इलेक्शंस की बात करें तो लोगों ने देखा होगा कि कितना ज्यादा जो वोटिंग का पॉलिटिकल पैटर्न है उस पर स्टडी होती है. स्टडीज हैव आल्सो बीन कंडक्टेड इन द मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन ऑर्गेनाइजेशंस, सोशियोलॉजिकल रीजंस फॉर सपोर्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, द रोल ऑफ जेंडर इन पॉलिटिक्स. जो स्टडीज हुई हैं उसमें आपने देखा होगा कि किस किस पर स्टडीज करी गई हैं, कि कैसे मेंबरशिप होती है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, क्या प्रोसेस होता है डिसीजन मेकिंग का ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, सोशियोलॉजिकल रीजंस क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करने के, या पॉलिटिक्स में जो जेंडर है उसका क्या रोल होता है. सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री. हिस्टोरियंस ऑलमोस्ट एज अ रूल स्टडी द पास्ट. सोशियोलॉजिस्ट आर मोर इंटरेस्टेड इन द कॉन्टेम्पोरेरी और रिसेंट पास्ट. हिस्टोरियंस हमेशा उनका रूल है कि वो पास्ट की पढ़ाई करते हैं, जबकि सोशियोलॉजिस्ट ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि आज के और पहले के में क्या डिफरेंस था, पास्ट कैसा रहा. हिस्टोरियंस अर्लियर वर कंटेंट टू डिलिनिएट द एक्चुअल इवेंट्स टू एस्टैब्लिश हाउ थिंग्स एक्चुअली हैपेंड, व्हाइल इन सोशियोलॉजी द फोकस वाज टू सीक टू एस्टैब्लिश कैजुअल रिलेशनशिप. हिस्टोरियंस पहले भी जो हैं उनका मेन ये होता था कि एक्चुअल में घटना क्या हुई, उसके कंटेंट में उनको ज्यादा इंटरेस्ट होता था, कैसे वो घटनाएं जो है घटी हुई होंगी एक्चुअल में. जबकि सोशियोलॉजी जो है वो मेन फोकस ये करती है कि जो कैजुअल रिलेशनशिप्स हैं उनके बीच में कैसे जो है वो एक तरह से एस्टैब्लिश हुए, उनको ज्यादा देखने की कोशिश करती है. हिस्ट्री स्टडीज कॉन्क्रीट डिटेल्स, व्हाइल द सोशियोलॉजिस्ट इज मोर लाइकली टू एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम कॉन्क्रीट रियलिटी, कैटेगराइज एंड जनरलाइज. अब हिस्ट्री जो है वो बहुत बारीकियों में जाती है, डिटेल्स में, जबकि सोशियोलॉजिस्ट जो है
वो एब्स्ट्रैक्टली जो है इस रियलिटी से, कॉन्क्रीट रियलिटी से निकालते हैं, कैटेगराइज करते हैं या उसको जनरलाइज करते हैं. हिस्टोरियंस टुडे आर इक्वली इन्वॉल्व इन डूइंग सोशियोलॉजिकल मेथड्स एंड कॉन्सेप्ट्स इन देयर एनालिसिस. आजकल के हिस्टोरियंस जो है वो बराबर से इन्वॉल्व हैं, सोशियोलॉजिकल मेथड्स अपनाते हैं, कॉन्सेप्ट्स अपनाते हैं अपनी एनालिसिस को करने में. कन्वेंशनल हिस्ट्री हैज बीन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ किंग्स एंड वॉर्स. जो कन्वेंशनल हिस्ट्री रही वो हमेशा हिस्ट्री रही किंग्स की, वॉर्स की. द हिस्ट्री ऑफ लेस ग्लैमरस और एक्साइटिंग इवेंट्स एज चेंज इन लैंड रिलेशंस और जेंडर रिलेशंस विद इन द फैमिली हैव ट्रेडिशनली बीन लेस स्टडीड बाय हिस्टोरियंस बट फॉर्म द क्रोन एरिया ऑफ द सोशियोलॉजिकल इंटरेस्ट. अगर हिस्ट्री जो है जैसे लैंड रिलेशंस के बारे में हो, जेंडर रिलेशंस के बारे में हो, फैमिली के अंदर जो कम ग्लैमरस है, कम एक्साइटिंग इवेंट्स हैं, उसके लिए वो लोग जो है ज्यादा ध्यान नहीं देते हिस्टोरियंस. लेकिन सोशियोलॉजी में जो है मेन सेंटर जो एरिया होता है इंटरेस्ट का वो यही होता है. टुडे हाउएवर हिस्ट्री इज फार मोर सोशियोलॉजिकल एज सोशल हिस्ट्री इज द स्टफ ऑफ हिस्ट्री. आज की डेट में हिस्ट्री बहुत ज्यादा सोशियोलॉजिकल हो गई है और जो सोशल हिस्ट्री है वही एक तरह से मेन स्टफ है अब हिस्ट्री का. इट लुक्स एट सोशल पैटर्न, जेंडर रिलेशंस, मोर्स, कस्टम्स एंड इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस अदर देन द एक्ट्स ऑफ रूलर्स, वॉर्स एंड मोनार्की. आज के डेट में जो हिस्टोरियंस हैं वो जानते हैं, कोशिश करते हैं कि सोशल पैटर्न क्या रहा, जेंडर रिलेशंस कैसे रहे, मोर्स, कस्टम्स या जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं बजाय कि रूलर्स, वॉर्स या मोनार्की का कैसा चलन था. सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी. साइकोलॉजी इज ऑफन डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर. साइकोलॉजी क्या है? एक तरह से साइंस है बिहेवियर की. इट इन्वॉल्व इटसेल्फ प्राइमरली विद द इंडिविजुअल. ये मुख्यतः इंडिविजुअल से संबंधित होती है. इट इज इंटरेस्टेड इन हिज हर इंटेलिजेंस एंड लर्निंग, मोटिवेशंस एंड मेमोरी, नर्वस सिस्टम एंड रिएक्शन टाइम, होप्स एंड फियर्स. वो इंडिविजुअल के क्या इंटरेस्ट हैं, उसकी कैसी इंटेलिजेंस है, लर्निंग है, मोटिवेशन है, मेमोरी है, नर्वस सिस्टम है, रिएक्शन कैसा होता है टाइम के अकॉर्डिंग, क्या होप्स हैं, क्या फियर्स है, उससे संबंधित है. सोशल साइकोलॉजी विच सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी मेंटेन्स अ प्राइमरी इंटरेस्ट इन द इंडिविजुअल बट कंसर्न्स इटसेल्फ विद द वे इन विच द इंडिविजुअल बिहेव्स इन द सोशल ग्रुप्स कलेक्टिवली विद अदर इंडिविजुअल्स. अब सोशल साइकोलॉजी एक तरह से ब्रिज का काम करती है साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के बीच में. अपना एक उसका इंटरेस्ट जो है मेन इंटरेस्ट इंडिविजुअल के अंदर होता है, वो उसको मेंटेन रखती है, लेकिन उसका मेनली जो कंसर्न होता है किस तरीके से इंडिविजुअल बिहेव करता है सोशल ग्रुप में या और इंडिविजुअल्स के साथ, उसमें उसका ज्यादा कंसर्न होता है. सोशियोलॉजी अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड बिहेवियर एज इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन सोसाइटी, दैट इज द वे इन विच पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाय डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी. सोशियोलॉजी मेनली कोशिश करती है इस चीज को समझने की जो बिहेवियर है जिस तरह से समाज में उसको ऑर्गेनाइज किया गया है, यानी कि किस तरीके से अलग अलग पहलू जो सोसाइटी के है उसमें उसकी पर्सनैलिटी को एक शक्ल मिली है. For instance, economic and political system, their family and kinship structure, their culture, norms and values. तो वो किस पे ज़्यादा वो करती है concern? Economic और political system कैसा है, उसके family और kinship structure कैसा है, culture, norms और values क्या है. It is interesting to recall that Durkheim, who sought to establish a clear scope and method for sociology in his well-known study of society, left out individual intentions of those who commit or try to commit society in favor of statistic concerning various social characteristics of these individuals. ऐसे में डर्किम जो बहुत ही ज़्यादा चाहते थे कि वो एक उनकी जो अपनी well-known study थी सुसाइड की, उसमें वो जो है चाहते थे establish करना एक बिल्कुल clear scope और method sociology के लिए, लेकिन उन्होंने खुद ही जो है जो उनकी study of society थी उसमें उन्होंने individual के जो intentions हैं जो either commit करते हैं सुसाइड करने की कोशिश करते हैं वो जो है या सुसाइड कर लेते हैं उनकी जो स्टडी थी उसको छोड़ दिया, उनकी क्या इंटेंशन है उनको छोड़ दिया, क्योंकि वो किसका फेवर कर रहे थे, उन स्टैटिस्टिक्स का जो कि बहुत सारे सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो इन इंडिविजुअल्स की हैं उससे संबंधित था. सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी इन मोस्ट कंट्रीज इनकॉर्पोरेट्स आर्कियोलॉजी, physical anthropology, cultural history, many branches of linguistics and the study of all aspects of life in simple society. अब anthropology ज़्यादातर countries में क्या क्या अपने अंदर शामिल करती है, archaeology को,
फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को, कल्चरल हिस्ट्री को, बहुत सारी ब्रांचेस जो लिंग्विस्टिक्स की हैं, और हर पहलू के जो लाइफ के उसको वो स्टडी करती है जो साधारण सोसाइटी में होती हैं। आवर कंसर्न हियर इज विद सोशल एंथ्रोपोलॉजी एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी फॉर इट इज दैट विच इज क्लोज टू द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। अभी हमारा मुख्य कंसर्न यहाँ पर सोशल एंथ्रोपोलॉजी और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी से है, क्योंकि ये काफ़ी हद तक क्लोज है सोशियोलॉजी की स्टडी से। Sociology is deemed to be the study of modern complex societies, by social anthropology deemed to be the study of simple societies. जहाँ एक तरफ sociology जो है वो study मानी जाती है modern और complex societies की, वहीं social anthropology जो है वो study मानी जाती है simple societies की। As we saw earlier, each discipline has its own history or biography. अभी हमने जैसे देखा कि हर discipline की अपनी खुद की एक history होती है, अपनी biography होती है। Social anthropology developed in the West at a time when it meant that Western-trained social anthropologists studied non-European societies, often thought of as exotic, barbaric, and uncivilized. Social anthropology developed हुई West में उस समय में जब ये माना जाता था कि जो Western-trained social anthropologists हैं वो non-European studies जो societies थी उनको study करते थे, और तब वो ये सोचते थे कि जो non-European societies हैं वो काफ़ी ज़्यादा barbaric है, uncivilized हैं, मतलब decent नहीं है। This unequal relationship between those who studied and those who were studied as not remarked upon too often earlier. ये जो अनइक्वल रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, जिन्होंने पढ़ा और जो पढ़ रहे हैं, इनको हम नहीं रिमार्क कर सकते बहुत पहले से, जैसे कहा जाए कि उनको हम नहीं रिमार्क कर सकते हैं। बट टाइम्स हैव चेंज्ड एंड वी हैव अर्स्टवाइल नेटिव्स, बी द इंडियंस और सुडानीज, नागास और संथल्स, हु नाउ स्पीक एंड राइट अबाउट देयर ओन सोसाइटी। मतलब यह है कि पहले वाले जो लिंक गैप, उन पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब समय बदल चुका है और अब हमारे यहाँ अपने खुद के इंडियंस हैं, सुडानीज हैं, न्यागाज हैं, संतल्स हैं, जो खुद बोल भी सकते हैं और बता भी सकते हैं अपनी समाज के बारे में। द एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑफ द पास्ट डॉक्यूमेंटेड द डिटेल्स ऑफ द सिंपल सोसाइटीज अपेरेंटली इन अ न्यूट्रल साइंटिफिक फैशन। जो पहले के एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे थे उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए उसमें उन्होंने क्या डिटेल्स डाली सिंपल सोसाइटीज की, बिल्कुल ही एक न्यूट्रल साइंटिफिक फैशन में। इन प्रैक्टिस दे वर कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग दो सोसाइटीज विद द मॉडल ऑफ द वेस्टर्न मॉडर्न सोसाइटीज एज अ मंच पार्क। एक्चुअल में वो क्या, जब वो कंपेरिजन भी कर रहे थे तो वो इन सोसाइटीज को कंपेयर कर रहे थे अपनी जो वेस्टर्न मॉडर्न सोसाइटीज हैं उनके मॉडल से, और तब जो है उन्होंने इसको एक तरह से डिटेलिंग करी। Other changes have also redefined the nature of sociology and social anthropology. और भी बहुत से ऐसे बदलाव हुए हैं जिसने जो नेचर है सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी का उसको एक बार रीडिफाइन करने के लिए मजबूर किया है। मॉडर्निटी एज वी सॉ लेड टू अ प्रोसेस वेयर बाय द स्मॉलेस्ट विलेज वॉज इम्पैक्टेड बाई ग्लोबल प्रोसेस। मॉडर्निटी यानी कि जो आज का मॉडर्निज्म है, हमने देखा वो एक प्रोसेस की ओर ले जाता है, जबकि जो छोटा सा गांव है उस पर भी ग्लोबल प्रोसेसेस का असर पड़ता है। द मोस्ट ऑब्वियस एग्जाम्पल इज कोलोनियलिज्म। अब एग्जाम्पल हमारे लिए बेस्ट कोलोनियलिज्म है। द मोस्ट रिमोट विलेज ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश कोलोनियलिज्म सॉ इट्स लैंड लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन चेंज, इट्स रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन ऑल्टर, इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कोलैप्स। जो सबसे छोटे से छोटा गांव जो होगा बिल्कुल अंदर के इलाकों में इंडिया के ब्रिटिश कोलोनियलिज्म के, उसने भी देखा लैंड लॉज को अपनी, जो उनके जमीन संबंधित कानून थे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बदला, रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन कैसे हो रहा था, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कैसे बर्बाद हो रही थी, उसने भी देखा। कॉन्टेम्पररी ग्लोबल प्रोसेसेस हैव फर्दर एक्सेंटुएटेड दिस श्रिंकिंग ऑफ ग्लोब। अब जो कॉन्टेम्पररी ग्लोबल प्रोसेसेस हैं उन्होंने काफी हद तक एक तरह से नोटिस करने के लिए ला दिया है कि जो ग्लोब है वो काफी श्रिंक कर रहा है। मतलब कैसे, द अजम्पशन ऑफ स्टडीइंग अ सिंपल सोसाइटी वाज दैट इट वाज बाउंडेड। एक जो अजम्पशन था कि हम सिंपल सोसाइटी की स्टडी कर रहे हैं वो एक तरह से बाउंडेड था, लिमिटेड था। वी नो दैट दिस इज नॉट सो टुडे, पर आज ऐसा नहीं है। द ट्रेडिशनल स्टडी ऑफ सिंपल नॉन लिटरेट सोसाइटीज बाय सोशल एंथ्रोपोलॉजी हैड अ परवेसिव इन्फ्लुएंस ऑन द कंटेंट एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिसिप्लिन। जो आज की डेट में ट्रेडिशनल स्टडी होती है सिंपल नॉन लिटरेट सोसाइटीज की, एक सोशल एंथ्रोपोलॉजी के द्वारा उसका काफी प्रभाव होता है कंटेंट पे और सब्जेक्ट मैटर पे डिसिप्लिन के। सोशल एंथ्रोपोलॉजी टेंड्स टू स्टडी सोसाइटी इन ऑल देयर एस्पेक्ट्स एज अ होल,
वो सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है एक सोशल सोसाइटी की स्टडी करती है, सिंपल सोसाइटी की, और उसमें सब उसके पहलुओं को देखती है, पूरे तौर पे जो है वो उसकी स्टडी करती है। इन सो फार एज दे एस्टैब्लिश स्पेशलाइज इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ एरिया एज फॉर एग्जांपल द अंडमान आइलैंड्स द न्यूअर्स और मेलेनेशिया सोशियोलॉजी स्टडी कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज एंड वुड therefore often focus on the parts of the society like the bureaucracy or religion or caste or a process such as social mobility. अब जहाँ तक वो लोग स्पेशलाइज्ड हैं तो वो जो हैं एरिया के बेसिस पे जो है स्टडी करते हैं, जैसे अंडमान आइलैंड्स की स्टडी करेंगे तो ऑन द सोसाइटी एज अ होल करेंगे, न्यूयॉर्क की करेंगे या मेलेनेशिया की करेंगे। वही सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज की स्टडी करते हैं और हमेशा फोकस करते हैं उन हिस्सों पे सोसाइटी के, जैसे ब्यूरोक्रेसी हो गई, रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, या वो प्रोसेस जो कि सोशल मोबिलिटी वाले हैं उनको स्टडी करते हैं। सोशल एंथ्रोपोलॉजी वॉज कैरेक्टराइज बाई लॉन्ग फील्ड वर्क ट्रेडिशन लिविंग इन द कम्युनिटी स्टडीड एंड यूजिंग एथनोग्राफिक रिसर्च मेथड्स। अब सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है कैसे पहचानी जाती है, एक लॉन्ग फील्ड वर्क ट्रेडिशन है इसका, कम्युनिटी में रहना जिसकी स्टडी कर रहे हो या एथनोग्राफिक रिसर्च मेथड्स जो है उनको अपना कर। वही सोशियोलॉजिस्ट हैव ऑफन रिलाइड ऑन सर्वे मेथड एंड क्वांटिटेटिव डाटा यूजिंग स्टैटिस्टिक्स एंड द क्वेश्चनेयर मोड। सोशियोलॉजिस्ट हैं वो किस पर रिलाई करते हैं, सर्वे मेथड पे, डाटा जो है उनको मिल जाए जिसकी स्टैटिस्टिक इस्तेमाल करके या क्वेश्चनेयर मोड में। चैप्टर 5 विल गिव यू मोर कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ दीस टू ट्रेडिशंस। अब चैप्टर 5 में आप ज्यादा बेहतर तरीके से इन दोनों ट्रेडिशंस के बारे में जान पाएंगे। टुडे द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ सिंपल सोसाइटी एंड अ कॉम्प्लेक्स वन इटसेल्फ नीड्स अ मेजर रीथिंकिंग। हमारे यहाँ जो डिस्टिंक्शन है सिंपल और सोसाइटी और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का, इनको एक बार दोबारा से इनके ऊपर सोचने की जरूरत है। इंडिया इटसेल्फ इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, ऑफ द विलेज एंड द सिटी, ऑफ कास्ट एंड ट्राइब, ऑफ क्लास एंड कम्युनिटी। इंडिया अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स मिक्सचर माना जा सकता है, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का, विलेज और सिटी का, कास्ट या ट्राइब का, क्लास कम्युनिटी का। विलेजेस नेस्ले राइट इन द हार्ट ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, जो कैपिटल सिटी है दिल्ली की, उसमें भी विलेजेस जो हैं वो अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं। कॉल सेंटर्स सर्व यूरोपियन एंड अमेरिकन क्लाइंट्स फ्रॉम डिफरेंट टाउन्स ऑफ द कंट्री। अब जो कॉल सेंटर्स हैं वो यूरोपियन और अमेरिकन क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं, सर्विस देते हैं अलग अलग टाउन से कंट्री के। इंडियन सोशियोलॉजी हैज बीन फार मोर eclectic in drawing from both traditions. Indian sociology जो है वो काफी open रही है कि उसने दोनों ही traditions से कुछ ना कुछ लिया है। Indian sociologists often studied Indian societies that were both part of and not of one's own culture. Indian sociologists जो है ज्यादातर Indian societies की study करते हैं, either वो हिस्सा हो या ना हिस्सा हो अपने खुद के culture का। It could also be dealing with both complex differentiated societies of urban modern India as well as the study of tribes in a holistic fashion. वो जो है डील करते हैं दोनों से ही, चाहे हमारे यहाँ की कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएटेड सोसाइटीज हैं अर्बन मॉडर्न इंडिया की या फिर स्टडी हो जाए ट्राइब्स की। इट हैज़ बीन फियर दैट विद द डिक्लाइन ऑफ सिंपल सोसाइटीज सोशल एंथ्रोपोलॉजी वुड लॉस इट्स स्पेसिफिसिटी एंड मर्ज विद सोशियोलॉजी। ये एक डर है कि सिंपल सोसाइटीज अगर खत्म हो जाएंगी तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है उसकी अपनी जो एक स्पेसिफिकेशन है वो खत्म हो जाएगी और वो सोशियोलॉजी में मर्ज हो जाएगी। However, there have been fruitful interchanges between the two disciplines and today often methods and techniques are drawn from both. लेकिन काफ़ी हद तक positive results जो हैं या positive interchanges जो हैं दोनों disciplines के बीच में हुए हैं और आज की date में methods और techniques जो हैं दोनों से ही ली जाती हैं। There have been anthropological studies of the state and globalization which are very different from the traditional subject matter of social anthropology. आज की डेट में जो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी होती है स्टेट की या ग्लोबलाइजेशन की वो बहुत हद तक डिफरेंट है जिस तरीके का ट्रेडिशनल सब्जेक्ट मैटर हुआ करता था सोशल एंथ्रोपोलॉजी का। ऑन द अदर हैंड सोशियोलॉजी टू हैज बीन यूजिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेक्निक्स मैक्रो एंड माइक्रो अप्रोचेस फॉर स्टडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। वहीं दूसरी तरफ सोशियोलॉजी जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को अपना रही है, मैक्रो और माइक्रो अप्रोच रख रही है जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं मॉडर्न सोसाइटीज की उनको स्टडी करने के। As mentioned before, we will see in a sense carry on this discussion in chapter 5. अब ये जो इसके बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से हम chapter 5 में discuss कर पाएंगे। For in India, sociology and social anthropology have had a very close relationship. India के अंदर sociology और social anthropology दोनों का ही बहुत close relationship है।
तो ये था आपका चैप्टर, आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आशा एजुकेशन। बाय।